सभी भीलो साथी के लिए आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार से बियोलो ऐप के ऊपर एस टू एस सर्वे यानी कि हाउस टू हाउस सर्वे आप लोगों को करना है और किस प्रकार से करना है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बियोलो ऐप से संबंधित जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को लॉगिन हो जाना है अपनी बियोलो ऐप के ऊपर। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर जो थ्री लाइन दिख रही है साइड में, इस पे आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में आप लोगों को इलेक्ट्र डाटा सिंक इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन दिखेंगे, एक तो ऑनलाइन का ऑप्शन, एक ऑफलाइन का ऑप्शन। तो फिलहाल अभी आप लोगों को ऑफलाइन वाला जो सर्वे है, ऑफलाइन वाला सर्वे आप लोगों को करना है। जब आपका ऑफलाइन सर्वे कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग ऑनलाइन सर्वे करेंगे। तो ऑनलाइन सर्वे में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो आप लोगों ने ऑफलाइन सर्वे किया है उसको आप लोग सिर्फ सिंक नाउ पे क्लिक कर जो भी आप लोगों ने ऑफलाइन सर्वे किया है वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो जाएगा। तो आप लोगों को ऑफलाइन सर्वे पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए सिंक नाउ लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर सिंक डाटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 100% डाटा सिंक हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर मेरे जो भी टोटल इलेक्टर है वो यहाँ पर शो होने लग चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे जीरो लिखा हुआ आ रहा है, ये जीरो इसे लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि अभी तक मैंने हाउस टू हाउस सर्वे में एक भी हाउस को वेरीफाई नहीं किया है। जैसे जैसे आप लोग वेरीफाई करते जाएंगे यहाँ पर जो संख्या है ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, या फिर आप लोग जब एक बार पूरा सर्वे कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर सिंक नाउ पे क्लिक करना है। उससे पहले आप लोग सिंक नाउ पे क्लिक नहीं करें। तो अब हम देखते हैं किस प्रकार से आप लोग हाउस टू हाउस सर्वे कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर से आप लोगों को होम पेज पे जाना है, यहाँ पे आपको हाउस टू हाउस सर्वे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके वोटर लिस्ट में जितने भी हाउस नंबर है, जितने भी वोटर्स है, सभी की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को किसी एक इलेक्टर का यहाँ पर बताता हूँ। तो आप लोग देखिए यहाँ पर साइड में लिखा हुआ रहा है यू फैमिली मेंबर, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो इस हाउस में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे को सीरियल नंबर 2 वाला जो इलेक्टर है उसका यहाँ पर हाउस टू हाउस सर्वे करना है, तो हम लोग सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर उसकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। एक बार आप लोग उस पर्सनल डिटेल को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे हम लोग जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो मतदाता है कितने समय से आपके भाग संख्या के अंदर रह रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को जो भी सन से रह रहा है आप लोगों को वो जो ईयर है वो ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जन्म से ही रह रहे हैं तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप ऊपर आ चुकी है पर्सनल डिटेल में, वहां से आप लोग उसको देकर डेट ऑफ बर्थ का जो भी सन है वो आप लोग लिख सकते हैं। यदि कोई शादीशुदा महिला आई है तो आप लोग उस घर से पता कर सकते हैं कि इसकी शादी कब हुई थी, तो वो सन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग उसको तारीख भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप लोग सर्वे करने गए हैं उसके घर पर तो यहाँ से आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि क्या वो मतदाता जब आप सब समय घर गए तो वो प्रेजेंट था कि नहीं था, या फिर एबसेंट तो नहीं है यानी कहीं चला तो नहीं गया, या फिर एक्सपायर तो नहीं हो चुका है। यदि वो एक्सपायर हो चुका है तो आप लोगों को यहाँ से फॉर्म नंबर 7 को फिल करना होगा। इसी तरह से यदि शिफ्ट है फिर भी तो भी आप लोगों को 7 नंबर फॉर्म फिल करना होगा। इसी तरह से यदि वो रिपीटेड वोटर है यानी कि एक ही मतदाता के दो नाम है तो आप लोगों को उसमें से एक वोटर को हटाना होगा। इसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पर फिल फॉर्म 7 लिखा हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक कर फॉर्म नंबर 7 को फिल करना है। तो फिलहाल यहाँ पर जब मैं मतदाता घर गया था तो मतदाता वहाँ पर उपस्थित था, इसलिए यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। उसके बाद में अभी आप लोगों ने जो ऊपर फोटो देखी थी क्या वो उस मतदाता की सही है, यदि सही है तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। यदि वो सही नहीं है आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग उसको इस पर क्लिक कर सकते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को उसका फॉर्म नंबर 8 भी भरना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर फोटो बिल्कुल सही है। उसके बाद में जब आप लोग इलेक्टर के घर पे गए तो उसकी डिटेल देखी तो उसकी डिटेल सेम है या फिर नॉट सेम है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही उसकी डिटेल थे तो उसमें मैं सेम पे क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह से आप लोग DOB के लिए भी वेरीफाई कर सकते हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ सही है या गलत है, आप लोग उससे पूछ कर कन्फर्म कर सकते हैं। इसी तरह से जो एड्रेस है वो एड्रेस सही है नहीं है वो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को क्या वो PWD क्रेडिट है यानी कि वो हैंडीक्राफ्ट है, यदि है तो आपको यस करना है, अगर है तो कितने परसेंटेज है और उसके डिसेबिलिटी का टाइप क्या है, लोकोमोटिव है, विजुअल है, डीफ है, या फिर और दूसरा भी कारण इसका हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर मेरी स्थिति में नहीं है तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद में क्या उसका आधार रिसीव्ड है, यदि आधार रिसीव्ड होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए येलो कलर में रिसीव्ड लिखा हुआ आ जाएगा, और यदि उसका आधार रिसीव्ड नहीं है तो आप लोग उसको एड आधार पर क्लिक कर उसके आधार नंबर आप लोग वोटर आईडी कार्ड से जोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो ऊपर अभी तक जो भी जानकारी आप लोगों ने देखी है क्या वो सभी सही है, तो आप लोग उसको यहाँ पर यस कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर जो रिमार्क है रिमार्क में आप लोग यहाँ पर ओके लिख देना है। यहाँ पर चूज फाइल की कह रहा है लेकिन आप लोग चूज फाइल नहीं किया इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, और एक बार आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रीव्यू वाले ऑप्शन करने पर नीचे 3 ऑप्शन और आ जाते हैं, एडिट, सेव और सबमिट का। आप लोग उसको सेव भी कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट सबमिट भी कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पर हम लोग उसको डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे करेंगे तो आप लोग उसको ऐसे ओके कर दीजिएगा। ओके करेंगे तो सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इसको ऐसे ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने जिस भी मतदाता का वेरिफिकेशन किया है वो यहाँ से उसका नाम हट जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो जिस मेंबर को मैंने वेरीफाई किया है वो इस लिस्ट में यहाँ पर शो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि स्टेटमेंट थ्री क्या है। तो नीचे देखिए आप लोगों को प्लस स्टेटमेंट थ्री लिखा हुआ आ रहा है। जैसे आप लोग किसी भी मतदाता को अपने यहाँ पर वेरीफाई कर देता है तो हर बार यहाँ पर स्टेटमेंट थ्री लिखा हुआ आएगा। अब स्टेटमेंट थ्री वाला ऑप्शन हम लोग क्लिक करते हैं। इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट थ्री में आप लोगों को उन मतदाताओं को काउंट करना है जिसकी उम्र 17 साल से अधिक लेकिन 18 साल से कम हो। ऐसे मतदाता को आप लोगों को इस स्टेटमेंट थ्री के जरिए जोड़ना होगा, यानी कि उनकी संख्या को आप लोगों को दर्ज करवाना होगा। देखिए इसमें आपको बताता हूँ, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सीरियल नंबर, यानी कि यदि आप लोग किसी मतदाता के घर पर गए वहां से आपको पता चला कि इस मकान के अंदर कोई 17 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है तो आप लोगों को उस पर एक नंबर देना। जैसे कि आप उसको एक नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे पहला मतदाता एक नंबर है, उसके बाद आप लोग किसी दूसरे घर में जाएंगे तो उस मतदाता को आप लोग 2 नंबर दे सकते हैं। इसी तरह से कंटिन्यू आप लोगों को यहाँ पर सीरियल नंबर देते जाना है। उसके बाद में यहाँ पर उस मतदाता का नाम लिखना है, उसका नाम, उसके बाद में यहाँ पर हिंदी में उसका नाम आ जाएगा। रिलेशन टाइप में आप लोग को सेलेक्ट करना कि किस रिलेशन जो है उनके मतदाता वोटर लिस्ट में आप लोग को जुड़े हुए, तो रिलेशन टाइप कर देंगे, उनका यहाँ पर नाम लिख देंगे। जेंडर आपको सेलेक्ट कर देना है उस मतदाता की, फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, क्या पीडब्ल्यूडी है, यस नो में आपको जवाब देना है। आधार नंबर आप लोग उसको लिखना है, उसके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखनी है और वो जो मतदाता है वो कब से इस पैलेस पर रह रहा है वो लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को किस सेक्शन के अंदर उस मतदाता को जोड़ना है वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्रीव्यू वाले ऑप्शन में आप लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद में इसको ओके कर देंगे, यानी इसको आप लोग वेरीफाई कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग स्टेटमेंट थ्री के अंदर जो भी मतदाता है 17 साल से ऊपर के, 18 वर्ष से कम के मतदाता के, उनको आप लोगों को इस स्टेटमेंट थ्री में आप लोगों को जोड़ना है। तो इस प्रकार से आप लोग H2H सर्वे और जो स्टेटमेंट थ्री है उसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि BLO ऐप से संबंधित इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।